Now there are few more uh, section that we need to discuss from this chapter is section 120, jurisdiction of income tax authorities. Jurisdiction of income tax authorities मतलब sir एक-एक officers को एक-एक area दिया जाता है। तो jurisdiction is allocated on the basis of territorial area मतलब pin code पे भी दिया जा सकता है कि आप pin code 400001 के आप officer हो, 02 के आप अलग officer हो।

सर जूरीडिक्शन ऑफ एओ आपको कभी भी जब नोटिस आता है ना कभी भी इनकम टैक्स से नोटिस आता है तो पहले ये चेक करने का कि आपको नोटिस कौन से ऑफिसर ने दिया है जिस ऑफिसर ने आपको नोटिस दिया हैविंग ज्यूरिडिक्शन ओवर यू सच में क्या ये ऑफिसर आपको नोटिस दे सकता था ये आप चेक कर सकते हो इनकम टैक्स पोर्टल पे जाके तो वंस जूरीडिक्शन ऑफ एन एरिया इज अलोकेटेड टू एओ देन विद इन दैट पर्टिकुलर एरिया ही कैन एक्सरसाइज हिज ओवर एनी पर्सन तो सर एक बार उसको ज्यूरिडिक्शन दे दिया तो उस प्रोफेशन करते हैं मुंबई तो में, में, में समझो आप रहते हो आप रहते हो काला चौकी में ठीक है ना लालबाग का जो एरिया आप वहां पे रहते हो समझो पूरा आप उस एरिया में रहते हो लेकिन आपका बिजनेस जो है ना आपका बिजनेस जो है वो है गेट में ठीक है ना तो आपका को, आपको कौन सा एओ नोटिस देगा एओ हुज हैविंग ज्यूरिडिक्शन ओवर योर रेसिडेंस और एओ हुज हैविंग ज्यूरिडिक्शन ओवर योर बिजनेस प्रीमिसिस क्योंकि यहाँ का एओ अलग होगा यहाँ का एओ अलग होगा आपको क्या लगता है कहाँ का एओ आपको बिल्कुल क्योंकि आप पैसे कहां से कमाते हो पैसे घर पे थोड़ी ना क्या कमाते पैसे तो बिजनेस करके कमाते हैं तो सर बिजनेस या प्रोफेशन जहां पे करते हो ना उस एवो को ज्यादा प्रायोरिटी मिलता है कि आप इस को नोटिस दे सकते हो हाँ हाँ सर चलेगा सर मेरे बिजनेस ना चर्चगेट से लेके विरार तक और यहाँ पे सीएसटी से लेके कल्याण तक और वहां पे भी नहीं सर मुंबई पुणे नागपुर हर सिटी में मेरे बिजनेस चलते हैं जब आपके इतने सारे बिजनेस तो कहीं ना कहीं आपका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस होगा तो जहां पे आपका मेन ऑफिस है मेन ब्रांच है जहां पे आपका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है उस एओ को अथॉरिटी होगी आपको नोटिस देने की सर ये सब नहीं है लेकिन आप जहां पे रहते हो वो एओ भी आपको नोटिस दे सकता है जैसे कैपिटल गेन के केस में तो बिजनेस है ही नहीं रेंटल इनकम के केस में तो बिजनेस है ही नहीं तो सर कौन सा एओ मुझे नोटिस देगा तो आपका रेसिडेंशियल एड्रेस जहां पे है वहां का एओ आपको नोटिस दे सकता है सर कभी कभी जूरिडिक्शन के ऊपर डिस्प्यूट हो सकता है झगड़ा हो सकता है एक एओ और दूसरे एओ के बीच में झगड़ा हो सकता है ये ये मेरा मेरा वो बोलता है है ठीक ना तो सर ऐसे केसेस में ही दे शुड रेफर द केस टू हायर अथॉरिटी अगर ये ये है तो एसीडीसी को अपना मैटर बता सकता है एसीडीसी है तो जेसी को अपना मैटर बता सकता है तो अपनी हायर अथॉरिटी को मैटर बता देंगे जो हायर अथॉरिटीज होगी वो मिलके बैठ के डिस्कस करके जुरिडिक्शन का मैटर सॉल्व करेंगे ओके okay. सर कैन एस चैलेंज द ज्यूरिडिक्शन कि मुझे मुझे पता रहता है कि मेरा तो ऑफिसर स्वयं सो पर्सन था सडनली मुझे कहीं और से नोटिस आ गया तो कैन आई चैलेंज तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं नहीं एसएससी कैसे चैलेंज करेगा डेफिनेटली एसएससी तो चैलेंज करेगा मेरे पे अगर कोई इसी ने नोटिस रखा और मुझे पता है कि ये ऑफिसर को मुझे नोटिस भेजने का कोई पावर ही नहीं है तो आई विल डेफिनेटली चैलेंज दिस पर्टिकुलर ज्यूरिडिक्शन तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है तो दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट ठीक है ना

तो जब नोटिस आया उसके वन मंथ में या बिफोर ही नहीं, था, तो ये दोनों आना नहीं है क्योंकि ये दो तभी आती है ठीक है रिटर्न ऑफ इनकम भरा था विद इन द टाइम लिमिट अलाउड इन वन जब आपको नोटिस आएगी तो उसमें बताया जाएगा आपने आर नहीं भरा करके आपको नोटिस आई है तो जब नोटिस आई थी तो जब आती है, 148 की या 142 की नोटिस जब आती है इनकम टैक्स से तो उसमें टाइम लिखा जाता है कि 15 डेज में आपको आपके सारे रिटर्न भरने पड़ेंगे तो 15 डेज में आपको रिप्लाई देना पड़ेगा कि सर आप तो मेरे पर जुरिडिक्शन आपका तो जुरिडिक्शन ही नहीं मेरे सर के पर मैं आपको रिप्लाई क्यों ठीक है ना विद इन द टाइम लिमिट अलाउड इन शो कॉज नोटिस 144, मतलब बाय जजमेंट असेसमेंट 148 मतलब income escaping assessment, 142 मतलब informative notice आता है आपको return भरने के लिए notice आती है तो नोटिस में जितना टाइम बोला है उसके अंदर आपको ज्यूरिडिक्शन चैलेंज करना है जब आपने आरओआई नहीं भरा है तो आरओआई भरा है तो 1 मंथ या कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट एवर इज ये बात यहां पे की गई है सेक्शन फोर थ्री प्रोवाइड दैट इन केसेस वेयर सर्च इज इनिशिएटेड सर्च मतलब रेड आपके ऊपर रेड आ चुका है इनकम टैक्स का अंडर सेक्शन 132 बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स एंड एनी अदर असेट रिक्विजिशन अंडर 132 ए नो पर्सन शाल बी एंटाइटल टू कॉल इन टू अ क्वेश्चन ऑफ जुरिडिक्शन ऑफ एओ आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द वन मंथ फ्रॉम द डेट ऑन विच ही वॉज सर्व विद नोटिस ऑफ वन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट विच ओर इज अर्लियर सर्च के केसेस हम सर्च के चैप्टर में पढ़ेंगे सर्च के केसेस में आपको एक महीने का टाइम मिलता है एक बार एक महीना खत्म हो गया तो आप लोग उस जोरिडिक्शन को चैलेंज नहीं कर सकते ये क्या है रिक्विजेशन वगैरह ये सारे वर्ड आपको अभी नहीं समझेंगे वो आपके लिए सर्च एंड सीजर का अलग से चैप्टर ही आप लोगों के सिलेबस में तब पढ़ाऊंगा ठीक है ना फिर नेक्स्ट नेक्स्ट जो पावर है यहां पे पावर टू ट्रांसफर केसेस सर बिंदास केस ट्रांसफर हो सकती है एक टेबल से दूसरे टेबल पे केस जा सकती है बिना पूछे मेरी बात समझो अससी को बिना पूछे एक टेबल से दूसरे टेबल पे केस ट्रांसफर हो सकता है लेकिन मुंबई से केस अगर पुणे ट्रांसफर करना है तो असएसी का परमिशन लेना जरूरी है

डिस्प्यूट रिगार्डिंग दूरिडिक्शन शाल बी रिजोल्व बाई दी आई टी सी आई टी बाई म्यूचुअल नहीं आना था यह लाइन ऊपर आना चाहिए था ठीक है ना जाने दो ये लाइन को इग्नोर करो ये लाइन को इग्नोर करो आप लोग हाव एवर एनी डिसमेंट ऑफ द मैटर ये इग्नोर करो मतलब ये यहाँ का नहीं है ये गलती से यहां पर आया है अगर ज्यूरिडिक्शन आपका रिजोल्व नहीं हुआ ऊपर ज्यूरिडिक्शन की बात हुई थी ना यहाँ पे ये देखो ये यहां का नोट है अससी कैन चैलेंज द जुरिडिक्शन यहाँ देखो इन केस ऑफ डिस्प्यूट ओवर इट शैल रेफर टू द हायर अथॉरिटी उसके ही में एक नोट यहां पे लिखना है आपको ये नोट जो है ना ये दो पैराग्राफ ये है देखो डिस्प्यूट रिगार्डिंग ज्यूरिडिक्शन शाल बी रिजोल्व बाय द कंसर्न सीसीआईटी सीसीआई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग लेकिन अगर सीसीआईटी के बीच में भी अगर झगड़ा होगा तो मैटर रेफर किया जाएगा सीबीडीटी को और फिर सीबीडी टी रिजोल्व करेगा बायर पासिंग द ऑर्डर और एक बार सीबीडीटी ने ऑर्डर पास किया तो वो बाइंडिंग नेचर में होता है तो झगड़ा ही खत्म हो जाता है क्योंकि डिपार्टमेंट को डिपार्टमेंट के सारे ऑफिसर्स को डिफॉल्ट फॉलो करना पड़ेगा जो भी सीबीडीटी बोलेगा तो ये एक बात होती है वो जाने दो दो आगे का पढ़ाने मुझको आप लोग लिखने के टाइम पे थोड़ा मुझसे गाइडेंस लेके लिखना कि ये कहाँ पे लिखना है मैं खाली बता रहा हूं कि ये जो पॉइंट मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ यहाँ पे ये देखो ये वाले जो पॉइंट है ना यहां मत लिखो ये ऊपर लिख देना बस इतना पॉइंट यहाँ नहीं लिखिए यह मैंने नोट करके लिखा हुआ है इस नोट के यहाँ पे लिखना चाहिए आपको बस चेंज ऑफ इनकम टैक्स अथॉरिटीज इनकम टैक्स अथॉरिटी या चेंज ऑफ इनकम भी या, इसको बोलते या, आपके यहाँ पे उन्होंने बोला है सक्सेशन ऑफ इनकम टैक्स अथॉरिटी सेम ही सेक्शन है 129 स्टेजेस फ्रॉम सक्सेडिंग इनकम टैक्स अथॉरिटी वुड कंटिन्यू से अभी एक ऑफिसर चेंज हो गया मैंने बोला एक ऑफिसर से दूसरा ऑफिसर आया शायद इस ऑफिसर की डेथ हुई है इसका ट्रांसफर हुआ इसका रिटायरमेंट हुआ इसका प्रमोशन हुआ है कुछ भी है अब ये यह ऑफिसर यहाँ से चला गया अब नया ऑफिसर आता है आप जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाते हो ना तो इनकम टैक्स की जब हियरिंग चालू होती है तो ये है, है ना ये आप हो ठीक है यहाँ पे एक टेबल है वो आपका नाम पूछेगा एक ग्रीन पेपर पे आपका नाम लिख के रखेगा ठीक है ना

तो ऐसा आपका एक बंडल होता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में उसके ऊपर है ना ग्रीन पेपर होता है एक लीगल पेपर आप बोलते हो जिसको उसके ऊपर सब कुछ लिखा जाता है कि कौन से डेट पे राम पाटिल आए थे राम पाटिल को हमने क्या क्वेश्चन पूछा राम पाटिल ने क्या आंसर दिया और जब मीटिंग खत्म होती रहती है जब हियरिंग खत्म होती है तो वो खुद का साइन यहाँ पे करता है और आपका साइन करने बोलता है और नीचे साइन के नीचे डेट लिखने बोलता है ये ऐसे प्रैक्टिकली होता है ऐसा क्यों किया जाता है हर एक चीज रिकॉर्ड में क्यों रखा जाता है क्योंकि कल की गारंटी नहीं कि कल ये ऑफिसर ऑफिस में आए या नहीं आए और मेरा अगर प्रोसीडिंग्स अगर 40 दिन से मेरा प्रोसीडिंग चालू है मैंने अभी तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को 70 परसेंट का डेटा सबमिट किया हुआ है और और नया नया ऑफिसर ऑफिसर आता है और नया फिर से ज, ज, से जीरो अगर डिपार्टमेंट तो हम का हमारा तो कभी कभी ये अगर आपके साथ थोड़ा हो जाता है चार पांच मीटिंग के बाद तो आपके लिए चाय वगैरह ऑर्डर करता है जब आपको चाय आती है ना उस चाय पीने के टाइम पे ही वो पर्सनल बातें करनी होती है एडजस्टमेंट वाली बातें करनी होती है

वो रिलैक्सेशन का जो टाइम होता है टी खत्म होने तक का वहां पे आप उसको भी कुछ पूछ सकते वो भी आपको कुछ भी पूछ सकता है वो ऑफ रिकॉर्ड होता है ठीक है इसलिए इनकम टैक्स ऑफिस में कभी जाना हो आपका आगे फ्यूचर में होगा नहीं लेकिन अगर कभी जाओगे और चाय बुलाई गई तो नाम मत बोलो भले आप नहीं पीते रहोगे तभी पी लेना ओके शायद कुछ काम की बात बताएगा वो तो होगा क्या सर सेवेंटी परसेंट का मैटर ऑलरेडी हो चुका है और ऑफिसर नया आया तो उसको वहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा पहली फाइल उसको पढ़नी पड़ेगी लेकिन अगर डिमांड करता है आई डिमांड रीहेयरिंग सर मैं रीहेयरिंग डिमांड करता हूं आपको मेरा मैटर जीरो से सुनना पड़ेगा तभी आपको समझेगा कि केस एग्जैक्टली exactly क्या हुआ था तो रीहेयर करने का भी उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन केस वेयर इनकम टैक्स ऑथोरिटी सक्सीड्स अनादर इनकम टैक्स ऑथोरिटी टू एक्सरसाइज द जूरिडिक्शन

प्रीवियस प्रोसीडिंग और एनी पार्ट देर ऑफ रीओपन और टू बी रीहर्ड बिफोर पासिंग चलो ठीक है ये बात हो गई यहां पर इसके आगे की बातें इस चैप्टर में पढ़ के मतलब है क्या ये सेक्शन मैंने पढ़ा दिया ज्यूरशन का एस एससी का जूरीडिक्शन ये भी बता दिया मैंने आप लोगों को सारा यहां से नहीं भी पढ़ोगे तभी भी चलेगा अभी

और फेसलेस में आपका जूरीडिक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करता है उसकी एक बहुत डिटेल प्रोसीडिंग एक डेढ़ घंटा लगेगा पढ़ाने के लिए आज नहीं पढ़ाऊंगा लेकिन मैं खाली ऑब्जेक्ट बताना चाहूंगा कि गवर्नमेंट ने फेसलेस क्यू लाया है उसको खाली यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे फेसलेस स्कीम के बारे में कुछ भी नहीं लिखा गया है खाली हम फेसलेस क्यू ला रहे हैं उसका सेक्शन उन्होंने बना दिया वो पढ़ता हूं आप लोगों के लिए और ये लैंग्वेज रिपीट होगी नहीं बोल के दस से बारह टाइम पूरे अभी चैप्टर्स में अलग अलग चैप्टर्स में ये सेम पैराग्राफ रिपीट होगा

सी यह लाइन बाइहार्ट करना चालू करो अभी एफिशियंसी बढ़ाएंगे हम ट्रांसपरेंसी एस एसी का डिपार्टमेंट के ऊपर भरोसा होना चाहिए डिपार्टमेंट का ऊपर भरोसा बढ़ाना चाहिए अकाउंटेबिलिटी अगर कोई गलत काम करता है तो उसको पनिशमेंट भी मिलनी चाहिए तो ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी डिपार्टमेंट को लाना है वो कैसे लाएंगे सर वो कैसे लाएंगे अथॉरिटी एंड एस एससी इन दोनों का एक टेबल पे मिलना ही बंद कर दो मिलेंगे तो करप्शन चालू होगा ये मिलने ही नहीं चाहिए इंटरफेस जो है वो बंद ही कर दो बीच में सिस्टम बिठा दो ये सिस्टम के इस साइड रहेगा ये सिस्टम के उस साइड रहेगा ये दोनों एक दूसरे को कभी मिलेंगे ही नहीं जब मिलेंगे नहीं तो करप्शन वगैरह होगा ही नहीं ऑप्टिमाइजिंग यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज थ्रू इकोनॉमिक ऑफ स्केल एंड फंक्शनल तो बाबा जो ऑफिसर कैपिटल गेन में स्पेशलाइज है वो कैपिटल गेन का काम करेगा पीजीबीपी में स्पेशलाइज है पीजीबीपी का काम करेगा भले वो आपके नहीं हो उसका की और ऑफिसर आसाम में बेटा है लेकिन वो खाली बेटा है तो उसको केस अभी रेफर होगा मुंबई का केस आसाम में जा सकता है ऐसा उन्होंने ब्यूटीफुल सिस्टम बनाया हुआ है और अभी टीम बेस काम होगा पहले एक ही ऑफिसर सारा काम करता था अभी ऐसे नहीं होगा अभी एक टीम बनाई जाएगी और टीम बेस एक्टिविटी जैसे कॉर्पोरेट में होता है ना प्रोजेक्ट टीम बनाई जाती है सेल्स टीम बनाई जाती है मार्केटिंग टीम बनाई जाती है वैसे भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी टीम बेस असेसमेंट करेगा ये सब करके ब्यूटीफुली अभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट

सब कुछ ऑनलाइन होगा फॉर ग्रेटर इफिशियंसी ट्रांसपरेंसीबिलिटी एलिमिनेटिंग इंटरफेस इनकम सब बोला है, करके आया हुआ है बस सब कुछ फेसलेस होने वाला है धीरे धीरे हम पढ़ेंगे फेसलेस को यहाँ पे आपका चैप्टर खत्म हो जाता है अभी मुझे आप लोगों को आपके बुक में क्वेश्चन आंसर है नहीं तो मुझे अलाउ करो सीए के बुक में से दो तीन क्वेश्चन डिस्कस करने के लिए देखो क्या बोला गया राजेश रेगुलरली फाइल्स हिज रिटर्न ऑफ इनकम इलेक्ट्रॉनिकली तो राजेश का रिकॉर्ड देखा निकाल के तो सारे रिटर्न हमेशा टाइम पे भरता है While he was trying to ही ट्राइंग टू अपलोड हिज रिटर्न ऑफ इनकम टैक्स फॉर द on 30th November, एक्सटेंडेड डेट ऑफ फाइलिंग द सेम तो ये जो एक्सटेंडेड डेट है तब तक वो बेचारा 30th नवंबर पे अपना लास्ट डे पे रिटर्न अपलोड करने का ट्राई कर रहा था Obviously लास्ट डे पे इनकम टैक्स के पोर्टल के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आता है तो सर्वर कभी कभी क्रैश होता है आपका रिटर्न अपलोड नहीं होता ही फाउंड इट एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू डू द सेम ड्यू टू द नेटवर्क प्रॉब्लम एंड अल्टीमेटली ही बिकेम सक्सेसफुल इन इन मेकिंग ई फाइलिंग ऑफ इथ रिटर्न एट वन एम वन एम को मतलब रात के बारह बजे तक उसका रिटर्न फाइल होना चाहिए था नहीं कर पाया हो क्योंकि पोर्टल पे ट्राफिक बहुत ज्यादा होता है एक्सट्रीमली <coughs> सॉरी तो बेचारे रात के एक बजे रात के एक बजे उसने अपना रिटर्न अपलोड किया मेहनत करके द रिटर्न कंटेन क्लेम ऑफ कैरी फॉरवर्ड ऑफ ऑफ बिजनेस लॉस 51 लैख ,00 बोलो अभी आगे का नहीं पढ़ता 51 ,00 लेट तो लेट होता है ना एक घंटे का लेट भी तो लेट ही होता है आर यू गेटिंग आपको अभी तो केस स्टडी yes, पढ़ाया sir. था बाबा एक घंटे का लेट, तो लेट होता है लेकिन इसका कोई एक्सेप्शन है क्या किसी को पावर है क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जो CDT ये पावर है बिल्कुल सीबीडीटी के पास पावर है लेकिन अभी इस क्वेश्चन में आपको ये क्वेश्चन ने जानबूझ के क्यों लिया क्योंकि आपको नहीं लग रहा सीबीडी टी में बुढ़े लोग होते हैं और वो भी साथ लोग होते हैं पूरा देश अगर उनको कंडोनेशन के लिए अप्लाई करते रहेगा तो पूरा जिंदगी उनका खाली कंडोनेशन देने में निकल जाएगा सीबीडीटी में खाली साथ लोग काम करते हैं न, वो ना वो भी ओल्ड एज लोग होते हैं तो आपको नहीं लग रहा इन्होंने अपनी पावर को डेलीगेट किया होगा लोअर ऑफिसर्स के लिए कि बाबा छोटे मोटे मैटर तुम लोग हैंडल कर लिया करो यार बड़े बड़े मैटर हमारे पास लेकर आना ऐसा हुआ रहेगा ना

सीबीडीटी का सर्कुलर है जो मॉनिटरी लिमिट डिफाइन करता है कि किसको कितना पावर है अगर आपका लॉस अप टू अपन लाख है तो पावर दिया गया PC, या PCIT या पीसीआईटी सीआईटी को को कमिश्नर लेवल पावर दे दिया है दस लाख के मैटर कमिश्नर हैंडल करेगा दस लाख से पचास लाख के अगर मैटर होंगे टेन लाख टू तो फिफ्टी लाख के अगर मैटर होंगे तो चीफ कमिश्नर या प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर हैंडल करेगा और फिफ्टी लाख के ऊपर के मैटर होंगे तो मैटर बहुत बड़ा हो जाता है फिर सीबीडीटी हैंडल करेगा तो ये उन्होंने बोल के रखा है यहाँ पे

तो आपको सीबीटी में जाने की जरूरत नहीं तो आप तो अपने खुद के कमिश्नर के पास जाते तो वो भी उसके पास भी पावर थी उसको कंडोनेशन ऑफ डिले करने की चलो ठीक है फिर और एक क्वेश्चन उन्होंने हाँ मुझे करेक्ट या इनकरेक्ट करेक्ट जो है ना आपको नोटिस आने के बाद क्या एसएससी एस को चैलेंज नहीं कर सकता ऐसा पूछा नहीं कर सकता वो बोलते तो करेक्ट और इनकरेक्ट hmm. बोलो अरे एस के पास पावर होना चाहिए ना जुरुडिक्शन को चैलेंज करने का और तो मैंने टाइम लिमिट भी बताया था अगर रिटर्न फाइल किया तो वन मंथ याद आ रहा है क्या अभी अगर आपने हाँ नो करेक्ट बरोबर तो इनकरेक्ट है ना अकोर्डिंग टू सेक्शन वन ट्वेंटी फोर सबसे क्वेश्चन ऑफ द जुडिडिक्शन ऑफ दिंग ऑफिसर विद इन प्रिस्क्राइब टाइम और टाइम कितना था उसका टेबल बना के दिखाया था जहां पे रिटर्न भर दिया है वन मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ द नोटिस और बिफोर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट इज अर्लियर और जहां पे नोटिस आपने रिटर्न भरा नहीं है तो नोटिस में जो टाइम लिमिट लिखा है कि फिफ्टीन डेज में रिप्लाई करो थर्टी डेज में रिप्लाई करो तो जितना टाइम नोटिस में अलाउड किया है बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द टाइम आपको रिप्लाई देना पड़ेगा और सर्च का मैंने एक पॉइंट बताया था कि आपको शायद यहां पे नहीं समझे रिक्विजेशन का कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता हो बाद में बताऊंगा आगे चलते हैं। हाँ यहाँ के आगे का चैप्टर चेंज हो जाता है खाली इस चैप्टर के ऊपर दो ही क्वेश्चन थे ये सर्च एंड सर्वे वगैरह का चैप्टर ही आपका अलग है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे यहां तक अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज पूछो मेरा एक चैप्टर खत्म